बजे रात तक चेकिंग करेंगे, आप हटेंगे नहीं यहाँ से। इतना आदमी है रोड पर खड़ा रहिए 9 बजे रात तक। अच्छा जी करिए। पूरे देश भर में अनलॉक 1 चल रहा है, कामों काज चालू कर रहे हैं, सभी लोगों का आना जाना हो रहा है। वैसे में इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद चौक पर और लगभग लोगों को गाइडलाइन दी गई है कि लगातार मास्क पहनना है और पीछे डबल मोटरसाइकिल पर लोगों को नहीं बिठाना है। लेकिन वैसे में हम अगर यहाँ देख रहे हैं तो सभी लोगों का लगभग चलान काट लिया जा रहा है, क्योंकि मास्क भी पहने हैं, कुछ लोग डबल हेलमेट नहीं लगाए। तो ऐसे में 90% लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के ही पीछे में बिठा रहे हैं और लोगों का। एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों चलान काट लिया गया जा रहा है आपका? इनको सर मैं डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ, आई स्पेशलिस्ट है, इनका अपॉइंटमेंट है, तो इनको गाड़ी चलाने आती नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ इनको लेके, तब मैंने रोक लिया। तब आप ही बताइए सर मैं कैसे लेके जाऊँ। तो ऐसा है कि बार बार बताया जा रहा है कि डबल हेलमेट पीछे नहीं बिठाना है, और अगर बिठाना भी है तो हेलमेट और मास्क, तो फिर भी ऐसा गलती क्यों? सर मास्क तो सर दोनों ऐसा हेलमेट लेंगे सर एक ही था हम लोग के पास, तो सर इनका आज अपॉइंटमेंट है इसलिए जाना सर जरूरी था सर। इससे पहले भी चलान कटा है? जी नहीं सर, आज ही निकला हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? कांके से आ रहा हूँ सर। ये पैसे में तो साफ तौर से कहना है कि लगातार जो है बिना हेलमेट के बिना पीछे बार बार नहीं बिठाना है पीछे अपने बाइक के नीचे, क्योंकि यह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है। और वैसे में लगातार सरकार की ओर से, परिवहन विभाग की ओर से, और यहाँ तक कि यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन है, जो यहाँ पर ट्रैफिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और चलान काट रहे हैं, उन लोगों की ओर से भी कुछ कहा नहीं, बयान नहीं दिया जा रहा। और लगातार धड़ल्ले से सरकार का खजाना बिल्कुल खाली होने के कारण जो है बाइक से या स्कूटर से कोई भी अगर अपने पीछे बिठा रहे हैं तो उनका चलान काट लिया जा रहा है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये गाइडलाइन दिया जा रहा है कि डबल हेलमेट पीछे नहीं बिठाना है। सर आपातकालीन सेवा में है सर, देखिए ऐसे हम लोग फालतू नहीं घूम रहे हैं, हम लोग आपातकालीन सेवा में। फिर भी तो चलान कट गया ना? चलान कटा या नहीं कटा? चलान कट गया। तो लगातार कोई भी लोग हो चलान उनका काट लिया जाता है। प्रशासन को नहीं बोला गया है कि ट्रैफिक एसपी ही इस पर कुछ जवाब देंगे। अगर हम यहाँ के लोगों के जो ड्यूटी यहाँ निभा रहे हैं उनसे अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो उनकी ओर से कुछ भी नहीं कहा जाता है। उनका कहना है कि हम ट्रैफिक एसपी ने हमें मना किया कुछ कहने से। चलान देखिए, लगातार जो भी डबल पीछे बिठाएंगे गाड़ी पे उनको चलान कटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना हेलमेट के और बिना मास्क के, अगर हेलमेट पहने हैं, अगर मास्क पहने हैं तो उनको इजाज़त दी जाती है जाने के लिए, लेकिन फिर भी यह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करके जिला प्रशासन की ओर से लगातार पूरे रांची भर में चलान काटने का प्रक्रिया जारी है। और जो भी लोग टू व्हीलर पर अपने पीछे बिना हेलमेट के बिना मास्क के जिन्हें बिठाते हैं उनको 1,000 रुपये का चलान काटा जा रहा है। निश्चित तौर से इस वक्त शहीद चौक पर लगातार प्रशासन की ओर से चलान काटने का कार्य जारी है, और ट्रैफिक एसपी की ओर से भी कह दिया गया है कि किसी भी छोटे अधिकारियों को बयान मीडिया में नहीं देना है। वैसे में अब देखने वाली बात होगी कि लगातार धरले से जितने भी यात्रियों या जो भी लोग कामों से अपने अपने घरों से निकल रहे हैं बाइक से या टू व्हीलर से, उन सभी का चलान 1,000 रुपये का काट लिया जा रहा है। इसीलिए हमारे चैनल के माध्यम से अनुरोध रहेगा कि जो भी लोग अपने काम काज के लिए निकले तो अपने पीछे डबल जो बिठाते हैं कोई काम से अगर निकलते हैं तो हेलमेट और मास्क पहन के ही निकले, अन्यथा जिला प्रशासन यहाँ पर चलान काटने के लिए 1,000 रुपये के लिए तैयार है। उनका राव के लिए रांची से कौशल कुमार। इतना आदमी है रोड पर खड़ा रहिए 9 बजे रात तक। अच्छा जी करिए।